अस्सलाम वालेकुम सामीन, 29 शव्वाल मुकर्रम और 9 मई है। खबर का उनवान है, क्या बीजेपी ने इन औरतों को पैसे दिए हैं। मामला बंगाल के संदेश खाली इलाके का है, जहां कुछ दिन पहले औरतों ने इल्ज़ाम लगाया था कि फला फला लीडर ने, फला फला आदमी ने हमारी इज्जत लूट ली है। अब आज एक बयान एक खातून का ये सामने आया है कि मेरे से कोरे कागज़ पर दस्तखत कराए गए थे, मुझे नहीं पता उस पर क्या लिख लिया है। एक खातून का बयान आया कि शुभेंद्र जो अधिकारी बंगाल में बीजेपी के सदर हैं, उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, कहा इस मामले को बढ़ाकर पेश करो। एक और खातून का बयान आया है कि मैंने जो सिर्फ बात की थी आयोग से, कमीशन से, वो सिर्फ मनरेगा की बात की थी, कुछ पैसे बात थी मनरेगा की, मैंने इज्जत लूटने लड़ी कोई बात, इज्जत लूटने जैसी कोई बात नहीं की थी। बहरहाल इस मामले में आज नया मोड़ आ गया है, अब देखना आगे क्या रुख इख्तियार कर, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात बहुत दूर तक जा चुकी है, CBI की जांच जा चुकी है, मामला बहुत दूर तक फैल रहा है। अब अगर पैसे देने वाली बात बीजेपी की सही हो गई तो मामला उलट भी सकता है।